आप देख रहे हैं दखल न्यूज। एमपी के नए मुख्य सचिव मोहंती ने काम संभाला, किसानों की कर्ज माफी को बताया चुनौती। कमलनाथ पहुंचे महाकाल मंदिर, साल के पहले दिन किया महाकाल का अभिषेक। बुरकापाल नक्सली हमले का वीडियो आया सामने, 26 जवान हुए थे शहीद। इटारसी में युवक को चाकुओं से गोदा, छतरपुर में युवती की गोली मारकर हत्या। और अभिनेता कादर खान का कनाडा में देहांत, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने कहा, किसानों की कर्ज माफी चुनौती है, लेकिन कांग्रेस के वचन पत्र के वचन को पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। मोहंती ने कहा कि अब कलेक्टर्स और एसपी जिला स्तर पर समस्याएं सुलझाएंगे। मोहंती ने कहा, हमारी कोशिश रहेगी सभी विभागों की छोटी छोटी समस्याओं का समय पर निराकरण हो, इसके लिए जिला प्रशासन जवाबदेह होगा। काम को लेकर अधिकारियों की किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समस्या के बिना किसी अनैतिक रास्ता अपनाए हुए लोगों को एक पारदर्शी तरीके से और बहुत जल्दी मिल जाए, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और अगर छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको भटकना पड़े या फिर उनको कोई भी अनैतिक कार्य के शिकार होना पड़े तो कहीं ना कहीं इनटॉलरेबल होगा, देयर विल बी नो टॉलरेंस। जहाँ तक स्टेट लेवल के ऑफिसर्स हैं, उससे पहले एक और चीज़ बता दूँ कि डिविजनल लेवल पे कमिश्नर्स हैं जो सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं, डीआईजीज हैं जो सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं। जब भी कोई समस्या होती है तो कलेक्टर्स एसपी उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, उनका वास्ट एक्सपीरियंस का फायदा लेकर उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। हर चीज़ के लिए फ़ोन उठा के ज़रूरत नहीं है बताने के लिए कि सर सो एंड सो आमंत्रण होना चाहिए, हम क्या करें, करें या नहीं करें। ये इन चीज़ों में हम कोई नीतिगत डायरेक्शन उनको नहीं दे पाएंगे। जिसमें नीतिगत कोई डायरेक्शन निहित ना हो वो सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्पोज डेफिनेटली होना चाहिए। नए मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने कहा कि अब अधिकारियों को निश्चित समय अवधि में योजना को अमली जामा पहनाना होगा। गवर्नेंस भोपाल केंद्रित नहीं बल्कि जिले स्तर पर केंद्रित होगी। अब कलेक्टर्स एसपी जिला स्तर पर समस्याएं सुलझाएंगे। मोहंती ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी एक चुनौती है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नए साल के पहले दिन उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली के लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। मध्य प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नए साल के पहले दिन उज्जैन में बाबा महाकाल का पंचामृत से अभिषेक किया। इससे पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ नरसिंह घाट पर मौजूद अस्थाई हेलीपैड पर उतरे, वहां से सीधे बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री का बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वो तकरीबन एक घंटे तक मंदिर में रुके। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान भी कमलनाथ बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे थे और कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए पूजा की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक चिट्ठी भी भगवान महाकाल को अर्पित की थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आज वो दोबारा महाकाल मंदिर में पहुंचे और बाबा का आशीर्वाद लिया। अप्रैल 2017 में सुकमा जिले के बुरकापाल में रोड ओपनिंग के लिए निकले सीआरपीएफ बटालियन के जवानों पर हुए नक्सली हमले का वीडियो सामने आया है। नक्सलियों द्वारा किए गए इस खौफनाक हमले में सीआरपीएफ के 26 जवान शहीद हो गए। ये वीडियो आपका दिल दहला सकता है। बस्तर को नक्सलवादियों ने कैसे जंग का मैदान बना दिया है, ये वीडियो उसका जीता जागता सबूत है।
आधुनिक हथियारों से लैस नक्सलवादियों ने 24 अप्रैल 2017 को सुकमा जिले के बुरकापाल में रोड ओपनिंग के लिए निकले सीआरपीएफ 74 बी बटालियन के जवानों पर घेर कर हमला कर दिया था। नक्सलवादियों के इस अप्रत्याशित हमले से जब तक जवान संभलते तब तक 26 जवान अपनी जान गंवा चुके थे। इस हमले में 7 जवान घायल हुए थे। इस हमले के बाद नक्सलियों ने जवानों से 25 अत्याधुनिक हथियार भी लूट लिए थे। करीब 20 मिनट तक चलते इस खौफनाक हमले के मंजर को खुद नक्सलियों ने अपने कैमरे में कैद किया था। नक्सलियों द्वारा बनाए गए हमले के इस वीडियो में नक्सलवादियों ने हमले से पहले की तैयारी, एम्बुश और हमले करते नक्सली और हथियार लूटकर ले जाते माओवादियों को भी दिखाया है। यही नहीं बल्कि इस वीडियो में माओवादियों ने इस बात को भी दर्शाया है कि इस हमले में उनके पीएलजीए के साथी चेरला एलओएस कमांडर रवि और 24 पीएल कमांडर अनिल की मौत हो गई। वहीं हमले के बाद लूटे गए हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी और इसी गोपनीय जगह पर हमले के बाद जश्न भी मनाया। यही नहीं नक्सलवादियों के बटालियन नंबर 1 के कमांडर हिडमा आजाद और बड़े बड़े नक्सलवादियों नेताओं ने अपने साथियों को भी संबोधित किया। महिंद्रा फाइनेंस की महिला कर्मचारी की दफ्तर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। कर्मचारी ललिता कुमारी अहिरवार अपने घर पर बढ़ा मलहरा जाने के लिए ऑफिस से निकली थी, उसी समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। लवकुश नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। छतरपुर के लवकुश नगर कस्बे के अंदर 20 वर्षीय युवती की गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लवकुश नगर के महिंद्रा फाइनेंस में कैशियर के पद पर काम करने वाली ललिता अहिरवार जब अपने ऑफिस से निकली थी तभी छतरपुर महिंद्रा फाइनेंस में काम करने वाला अंकेश तिवारी नामक एक युवक वहां आया और युवती से किसी बात को लेकर उसकी बहस हुई। मामला इतना बढ़ा कि आरोपी ने युवती के सिर पर गोली मार दी जिसमें घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। लवकुश नगर में कैशियर के पद पर कार्यरत है और जैसी अभी तक जानकारी जो मिल पाई है छतरपुर महिंद्रा फाइनेंस में अंकेश तिवारी का काम करता है तो वो शाम को आया था और किन्हीं कारणों से उसने इसके ऊपर चांटे मारे और गोली मारकर भाग गया। इसे प्रकरण 302 का पंजीकृत कर लिया गया है। परिजनों को खबर की गई है। पंचनामा कार्रवाई की जा रही है जो फॉलो करके। मृतक युवती बड़ा मलहरा की रहने वाली थी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। लवकुश नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 302 का मामला कायम कर आरोपी की तलाश प्रारंभ कर दी है। हत्या प्रथम दृष्टया यह मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। इटारसी में सरेआम एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिस युवक की हत्या हुई उसका नाम शुभम राजपूत है। इटारसी में शुभम राजपूत नामक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे को इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि उसकी वहशियाना हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। इटारसी के पीपल मोहल्ला का रहने वाला शुभम जब रास्ते से गुजर रहा था तो हत्यारे ने पहले उस पर चाकू से वार किया और जब शुभम गिर पड़ा तब भी हत्यारा उस पर वार करता रहा। शुभम की गर्दन और पीठ पर आरोपी ने कई वार किए। तड़फते शुभम ने कुछ देर में ही दम तोड़ दिया। इस दौरान वहां से एक व्यक्ति घटना को नजरअंदाज करता चलता बना। सीसीटीवी के दृश्य सामने आने के बाद इटारसी निवासी नाले मोहल्ले के ही सौरव नामक युवक पर हत्या करने का आरोप लगा है। इस हत्या के पीछे का कारण प्रेम संबंधों को बताया जा रहा है। जिसमें सौरव कहार नाम के एक लड़के ने शुभम राजपूत नाम के एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी और घटनास्थल जो रेलवे ओवर ब्रिज है उसके नीचे वाला पोर्शन था जहाँ पर यह हत्या हुई। मूलतः इन लोगों का विवाद जो है एक युवती को लेकर है जो कि सौरभ कहार की मित्र बताई जा रही है और सौरभ कहार को कहीं ना कहीं ये शक हो गया था कि शुभम राजपूत उस पर गलत निगाह रखता है और इस कारण जो है उसने आज अकेला पाकर इस पर हमला बोला
शुभम राजपूत पे और चाकू के वार से शुभम राजपूत की मृत्यु हो गई। थाना इटारसी में सौरभ कहार के ऊपर धारा 302 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया। वारदात दोपहर 12 बजे इटारसी थाने से 200 किलोमीटर दूर पर हुई। आरोपी और मृतक दोनों रेलवे स्टेशन पर काम करते हैं। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पीपल मोहल्ले में रहने वाले सौरभ राजपूत और शुभम कहार दोनों दोस्त थे। सौरभ एक युवती से प्रेम करता था जिस पर शुभम का दिल आ गया। शुभम ने एक तरफा प्यार में अपने ही दोस्त सौरभ को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। कौटिल्य एकेडमी भोपाल के संचालक राहुल रंगारे ने नववर्ष के अवसर पर गरीबों को कंबल और कपड़े बांटे। हर साल की तरह इस वर्ष भी राहुल रंगारे ने भोपाल की सड़कों पर गरीबों को कंबल और वस्त्र वितरण किए और साल की शुरुआत की। हर वर्ष के तरह इस वर्ष भी माधवराव रंगारे वेलफेयर सोसाइटी भोपाल एवं कौटिल्य एकेडमी द्वारा नववर्ष की शुरुआत सुबह फुटपाथ पर ठंड में सो रहे लोगों को कंबल बांटकर। इस मौके पर एकेडमी के संचालक राहुल रंगारे ने सुबह 5 बजे जगह जगह जाकर साथियों के साथ गरीबों को कंबल और कपड़े बांटे। कंबल और कपड़े वितरण का कार्यक्रम भोपाल रेलवे स्टेशन, सुल्तानिया हॉस्पिटल सहित कई जगह किया गया। कंबल वितरण के बाद राहुल रंगारे ने सभी देश और प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और कहा कि देश में सभी को पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए, साथ ही गरीबों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। जी, एक माह से आए थे और बहुत सारी महिलाएं भी थी उनके साथ में। उन्होंने हमको, हम सर्दी से मरते थे, उन्होंने हमको कंबल वितरित किया। तो ये कितने बजे कंबल दिया? लगभग 6:30, 6:45 के बीच में काम हुआ है। जहाँ इस कड़ाके की ठंड में लोग घरों के अंदर होते हैं, वहीं राहुल रंगारे जो कौटिल्य एकेडमी के संचालक है, वो सड़क पे रेलवे स्टेशन पे गरीबों को कंबल बांटते हुए नजर आ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं राहुल रंगारे जी से, क्या कार्यक्रम था उनका, क्या कर रहे थे। हाँ, मैं राहुल रंगारे, डायरेक्टर कौटिल्य एकेडमी भोपाल शाखा छिंदवाड़ा और बालाघाट शाखा। आज हम कौटिल्य एकेडमी के माध्यम से, माधवराव रंगारे वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से, सुबह से 5 बजे से निकल के उन गरीबों को, उन जरूरतमंद को, जिनको आवश्यकता है, जिनको नीड है, ऐसे लोगों को कंबल वितरण के लिए हम लोग निकले हैं। हम नए वर्ष की शुरुआत हर साल ऐसे ही 1 तारीख की शुरुआत हम लोग सुबह से कंबल वितरण करके करते हैं। हम लोगों को बड़ी खुशी होती है, मेरी पूरी टीम उसमें सहभागिता रहती है। मैं पूरे टीम को धन्यवाद देता हूँ कि वह पूरे सुबह सुबह उठ के आते हैं सभी बच्चे, और सब लोग हम लोग सुबह से ही कंबल बांटने के लिए घर के अपने वस्त्र निकाल के, पुराने वस्त्र जो हमारे यहाँ रहते हैं वो वस्त्र निकाल के लाते हैं और उन गरीबों को, जरूरतमंदों को, उन असहाय लोगों को देते हैं जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है। और हमें बड़ी खुशी होती है, विगत कई वर्षों से हम काम करते आए हैं। आपका नाम हमेशा रहा है सोशल कार्यों में काम करने के लिए, लेकिन ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको, इंस्पिरेशन कहाँ से आई? हाँ हाँ, ये सब करने के इंस्पिरेशन के पीछे जो है वो मेरे माता पिता रहे हैं, साथ ही साथ डॉक्टर अंबेडकर के हम फॉलोअर्स है कि बाबा साहब ने कहा है कि अपने पास जो कुछ है वह लोगों के हित में होना चाहिए, समाज के हित में होना चाहिए। आपके पास जो कुछ है, अगर आपके पास ज्ञान है तो लोगों में बांटो, आपके पास धन है तो लोगों में बांटो, आपके पास जो कुछ है आप जितना लोगों को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो दे सकते हैं आप देने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारे पास भी आता है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास जो कुछ है उसमें से थोड़ा बहुत भी समाज के लिए होना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं पे बैक टू सोसाइटी, तो हम उसी सिद्धांत पे चलते हैं और हमें लगता है कि हम अगर कुछ भी कमा रहे हैं तो उसका एक छोटा सा अंश समाज के हित में देना चाहिए। छिंदवाड़ा में भी आपने बहुत सारे सोशल वर्क किए हुए हैं, किस कुछ छिंदवाड़ा के जो आपने सोशल वर्क किए उनके बारे में? मैं मेरे सोसाइटी के माध्यम से, माधवराव रंगारे वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से विगत 7-8 साल से छिंदवाड़ा जिले में सौसर तहसील में रिधोरा ग्राम में 220 से अधिक बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ। वहाँ पे हम लोग 220 से अधिक बच्चे हैं जो निशुल्क मेरे पास पढ़ते हैं। कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं जो वहाँ पे 4 टीचर रखे उनके पढ़ाने के लिए, और विगत कई वर्षों से ये हम लोग कार्य करते आ रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि उन बच्चों को, जिनको आज गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, तो उन बच्चों को हम लोग प्रयास करते हैं कि उनका स्तर अच्छा हो, वो अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बने
ऐसे उनको हम लोग शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि कम से कम उनका लेवल बढ़े, उनका परसेंटेज बढ़े, उनका प्रतिशत कई वर्षों से हमने देखा तो बढ़ते आ रहा है। हमारी शिक्षा के माध्यम से, वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से जो हम उनको शिक्षा दे रहे हैं तो उनके परसेंटेज में, प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है कई बच्चों के, और खुशी होती है। इस साल जो 12वीं में बच्चा आया है वो हमारे वेलफेयर सोसाइटी के में पढ़ने वाला बच्चा जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, मोहित जेठा के नाम से, जो 12वीं में डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, ऐसे बच्चे भी हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हो रहे हैं। तो राहुल रंगारे जी का साफ कहना है कि गरीब के बच्चे भी पढ़ें, गरीब के बच्चे भी टॉप करें, उनको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो कि समाज में नहीं मिल पाती है। यहाँ इस कड़ाके की ठंड में लोग घरों के अंदर है, वही राहुल रंगारे जी सुबह 5 बजे से ही कंबल वितरण कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। राहुल रंगारे ने बताया कि भोपाल की तर्ज पर वो छिंदवाड़ा में भी जरूरतमंदों को कपड़े और कंबल वितरण का कार्य करते हैं। बता दें कि राहुल रंगारे माधवराव रंगारे वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं और यह सोसाइटी सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती है। सोसाइटी के माध्यम से गरीब बच्चों को शिक्षा और सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। छतरपुर पुलिस के हाथ जेवरात लूटने वाले गिरोह के सदस्य लगे हैं। इनसे कई खुलासे होने की उम्मीद है। इन लुटेरों से लाखों का माल बरामद हुआ। महाराजपुर थाना क्षेत्र में सराफा व्यापारी पूरन सोनी के साथ लूट की घटना का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। लूट की घटना को अंजाम देने वाले 6 में से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये थाना महाराजपुर क्षेत्र में एक लूट हुई थी, उसमें 2 आरोपियों को पकड़ने से गिरफ्तार कर लिया। इसमें अभी तक जो माल जब्त हुआ है उसमें 4,18,050,000 कैश बरामद हुआ है। 2 आरोपी भी इसमें गिरफ्तार है, 4 आरोपी फरार हैं, उनकी भी प्रयास कर रहे हैं। लूट की घटना 15 दिन पहले उस समय हुई थी जब सराफा व्यापारी अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था। तभी बाइक सवार बदमाशों ने हवाई फायर कर उसका बैग छीन लिया था, लेकिन पुलिस ने लुटेरी गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से सोने चांदी के 4,00,000 से ज्यादा के जेवरात और 50,000 रूपये नकद रकम जब्त की है। पुलिस ने बाकी 4 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्किंग वसूली बंद करने को लेकर छतरपुर अस्पताल में हंगामा किया। ये कार्यकर्ता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब ये सरकार उन्हीं की है और किसी भी जायज काम के लिए उन्हें हंगामा और प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। एमपी में कांग्रेस सरकार बनने के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ता अभी भी विपक्ष की भूमिका निभाने में लगे हैं। छतरपुर के जिला अस्पताल के गेट पर युवक कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्किंग वसूली बंद करने को लेकर अस्पताल के गेट पर जमकर हंगामा किया। हंगामे के कारण अस्पताल में मौजूद मरीजों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। पार्किंग व्यवस्था यहाँ पहले थी और इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, फिर पार्किंग को निरस्त कर दिया गया था, फिर ये लोग हाई कोर्ट से स्टे लेके आए थे, लेकिन इनके कारण पार्किंग की जो शर्तें थी उनका दुरुपयोग किया गया और पार्किंग व्यवस्था भी हमारी गड़बड़ की गई। इसके बाद फिर हमने जब कल सारी देखी चीज़ें, इनकी सारे सर कागज़ निकाल के देखे, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट का जो समय था 1 साल का वो 1 महीने पहले समाप्त हो चुका है। अब हमारे तरफ से ये पार्किंग समाप्त की जा चुकी है। अगर अब ये पार्किंग की व्यवस्था कुछ करता है तो ये अनधिकृत कहलाएगी और उसकी खुद की कहलाएगी। लगातार जो गरीब जनता है, जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, इनको अवैध पार्किंग के नाम पे लूटा जा रहा था, उन्हें परेशान किया जा रहा था। और अति तो ये तब करते हैं जब इन्होंने एक राय अस्पताल में आने वाले पेशेंट के परिजनों के साथ मारपीट भी की थी, लेकिन लगातार आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जो हम लोगों ने प्रदर्शन किया था कि भाई ये अवैध पार्किंग है, इसे तत्काल हटाया जाए, तत्काल बंद करवाया जाए। CMHO सर से भी जिस प्रकार से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से ये ठेका निरस्त है, जो इनके द्वारा स्थगन आदेश लिया गया था हाई कोर्ट से, उसकी भी डेट निकल चुकी। छतरपुर जिला अस्पताल में मरीज के परिजन और उनके रिश्तेदारों द्वारा बाइक या कार लगाने पर उन्हें अस्पताल में पार्किंग ठेकेदारों को रुपया देना पड़ता है। इसी को बंद कराने युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन कर खूब हंगामा किया और मांग की कि तुरंत पार्किंग वसूली बंद करवाई जाए, जिस पर सिविल सर्जन ने नियमों का हवाला देकर उन्हें समझाने की कोशिश की।
बॉलीवुड में नए साल का पहला दिन बेहद दुखद साबित हुआ। लंबे वक्त से बीमार चल रहे मशहूर अभिनेता कादर खान का कनाडा में निधन हो गया। उनके बेटे सरफराज खान ने निधन की पुष्टि करते हुए कहा, मेरे पिता का कनाडा के टाइम के हिसाब से सोमवार को शाम निधन हो गया था। कादर खान ने हिंदी सिनेमा में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, 200 फिल्मों का लेखन किया है। पिछले दिनों गंभीर बीमारी के बाद डॉक्टर्स ने सीनियर एक्टर कादर खान को रेगुलर वेंटिलेटर से हटाकर स्पेशल वेंटिलेटर पर रखा था। उन्होंने शक्ति कपूर से आखिरी बातचीत में कहा था कि वो बॉलीवुड में वापसी करेंगे, हालांकि अब ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। रिपोर्टर्स की माने तो कादर खान को कनाडा में ही सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अमिताभ बच्चन ने कादर खान के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने इसे हिंदी सिनेमा की बड़ी क्षति करार दिया है। अमिताभ ने कादर खान के साथ 2 और 2 5, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, कुली और शहंशाह जैसी कई फिल्मों में काम किया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।